नालंदा का वायरल सोनू इन दिनों कहाँ है? हमेशा मीडिया को बाइट देने वाला सोनू इन दिनों कहाँ है? सीएम नीतीश कुमार से हाथ जोड़कर बेहतर शिक्षा की मांग करने वाला सोनू किधर है? सुशील मोदी, पप्पू यादव, तेज प्रताप यादव, सोनू सूद से ऑफर को ठुकराकर सोनू इन दिनों कहाँ है? हम आपको इस वीडियो में बताएंगे सोनू इन दिनों कहाँ है, किस हाल में है। लेकिन उससे पहले जान लीजिए सोनू के अब तक के सफर के बारे में। पिछले दिनों सीएम नीतीश कुमार अपनी पत्नी स्वर्गीय मंजू सिन्हा की पुण्यतिथि के मौके पर कल्याण विघा पहुंचे थे। इसी सभा में सोनू ने हाथ जोड़कर नीतीश कुमार से बेहतर शिक्षा की मांग की थी और कहा था कि हमारे पिता जो कमाते हैं उससे वो सवाब पी जाते हैं। लगे हाथ सोनू ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी नीतीश कुमार से शिकायत कर डाली और सरकार से मदद की गुहार भी लगाने लगा। उसने कहा कि अगर सरकार चाहे तो वह आगे बढ़ सकता है, यानी कि पढ़ लिख कर IAS IPS बन सकता है। इसके बाद क्या था, सोनू सोशल मीडिया में गोता लगाने लगा। क्या दिन क्या रात, अब सोनू मीडिया के कैमरे में कैद हो गया, अपनी इच्छा जाहिर करने लगा। सोनू की इच्छा जाहिर करने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक पार्टियों की तरफ से लोग मदद के लिए आगे आने लगे। इसी कड़ी में सोनू के घर पहुंचे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने सोनू का एडमिशन नवोदय विद्यालय में करवाने का वादा किया। इसके बाद सोनू के घर पहुंचे जाप प्रमुख पप्पू यादव, उन्होंने सोनू के हाथ में पैसे दिए जिसे लेकर सोनू खुश दिख रहा था। सोनू को मदद के लिए लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने वीडियो कॉल से बात किया। इस बातचीत के दौरान तेज प्रताप ने सोनू को कहा कि IAS बनने के बाद तुम हमारे अंडर में काम करना। इसके तुरंत बाद सोनू ने जवाब दिया, मैं किसी के अंडर में काम नहीं करूंगा, हमेशा लोगों की मदद के लिए खड़े रहने वाले सोनू सूद ने भी सोनू की सुध लेनी चाहिए। इसके बाद सोनू ने, यानी कि सोनू सूद ने ट्वीट करते हुए लिखा कि स्कूल का बस्ता बांधिए, अपनी पूरी शिक्षा और हॉस्टल की व्यवस्था हो गई है। सोनू सूद ने स्कूल का नाम भी बता दिया था जिसमें जाकर सोनू को सिर्फ पढ़ना था, लेकिन सोनू को इन सभी में से किसी का ऑफर पसंद नहीं आया। वो अब भी नीतीश कुमार की तरफ ऑफर का इंतजार कर रहा था, लेकिन लंबे समय तक इंतजार के बाद सोनू को कुछ भी हाथ नहीं लगा, क्योंकि इस समय तक सोशल मीडिया में सोनू की खूब किरकिरी हो चुकी थी। सोनू से कई तरह के सवाल पूछे जा रहे थे। इन सब के बीच में सोनू को देहरादून एक नामी स्कूल में पढ़ाई करने का ऑफर मिला। साथ ही साथ सोनू को राजस्थान के कोटा में स्थित एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ाई का ऑफर मिला। आखिर में सोनू ने कोटा जाना पसंद किया, यानी कि सोनू को कोटा भाया। वर्तमान में वह कोटा में पढ़ाई कर रहा है और अपने भविष्य को लेकर अग्रसर है।